Hi friends, this is Jyothi from Jyothi Rani and welcome back to my channel. Hope so आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ. तो आज का वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग. ऐसा कि आपको पता है, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है. तो हाँ, पिछला ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था कि एक क्राफ्ट मेला लगा है हमारे नेटिव प्लेस में, मतलब गया में, बिहार में. तो मैं वहाँ गई थी तो उसी का ब्लॉग था उसमें, और मैंने बोला था कि आप कनेक्टेड रहिए मेरे चैनल से, मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है. तो आज मैं वही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या ख़रीदा है. तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके कि मैंने क्या खरीदा. तो पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने ये बैग ख़रीदा है. देखिए, इसमें ये टांगने के लिए भी दिया है ऐसा, और ये ऐसे ओपन होता है. और यहाँ पे भी ये अंदर ये मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसे लिया. और ये सिर्फ मुझे मिला है 140 रुपीज़ में. इसका प्राइस बोल रहा था 150, बट मैंने थोड़ा बार्गेन किया तो 10 रुपीज़ उन्होंने कम किया. तो मुझे अच्छा लगा और मुझे ये चाहिए भी था, तो मुझे मैंने ये ले लिया. दूसरा जो मैंने लिया है वो लिया है जूती, ऐसा वाला. ये भी बोल सकते हैं राजस्थानी स्टाइल का है. ये भी मुझे चाहिए था, बहुत दिन से घूम रही थी. देखिए ऐसा है ये, और ये मैंने लिया है 200 में. इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं किया, 200 ये था और फिक्स प्राइस था, 200 में लिया है. तो मुझे ये अच्छा लगा, कलर भी और पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ये लिया. उसके बाद मैंने एक क्लचर लिया है वहाँ पे, ये फिश क्लचर 10 रुपीज़ का. ये मैंने इयर रिंग लिया है, ये इयर रिंग, देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग इयर रिंग है, जो मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ में मिला है. इसके लिए भी मैंने बार्गेनिंग किया है क्योंकि वो 50 रुपीज़ बोल रहे थे और मैंने 30 रुपीज़ में से ले लिया बोलते. इसके साथ मैंने ये एक नेकलेस लिया है ऐसा, और ये उन्होंने बोला था 140 रुपीज़, बट इसमें थोड़ा डिफेक्ट है इसलिए 120 रुपीज़ में मिल गया मुझे. देखिए यहाँ पे ये नहीं है तो इसलिए मुझे ये 120 रुपीज़ में मिला है. उसके साथ ये छोटे छोटे दो इयर रिंग्स भी, देखिए ऐसा, ये दोनों साथ में है 120 रुपीज़ में. उसके बाद जो मैंने लिया है, सॉरी, उसके बाद मैंने एक लिया था की चैन टांगने वाला, वो मैंने नीचे, मतलब मैंने रूम में टांग दिया है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ. वैसे वैसे बहुत सारे थिंग्स थे. और एक इयर रिंग लिया था जो मेरी सिस्टर के लिए लिया था, जो मेरे साथ आपको दिखी होगी वहाँ पे पिछले ब्लॉग में, मैं उनके लिए लिया था तो उन्हें दे दिया मैंने. वो भी कुछ ऐसा ही इयर रिंग था, वो भी 30 रुपीज़ का था, बस यहाँ पे एक झुमका लगा था वो भी 30 रुपीज़ का ही था. तो मुझे पसंद आया वो, मैंने उसे भी दे दिया. फिर बैंगल्स लिए थे, वो भी मैंने लिया था आंटी के लिए तो मैंने उसे ही दे दिया. उसका पिक्चर मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, मैंने किस कैसा बैंगल्स लिया था. यहाँ पे दोनों इयर रिंग्स एंड बैंगल्स को यहाँ पे डाल दूँगी, और जो मैं बोली की चैन उसका भी यहाँ पे डाल दूँगी. तो की चैन मुझे मिला था 80 रुपीज़ में, और इयर रिंग मैंने बताया 30 रुपीज़ का बताया, वो था 100 रुपीज़ का चार. बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी मॉम के लिए लिया था पर मेरी मॉम को आया नहीं इसलिए मैंने अपनी आंटी को दे दिया. तो इतना ही खरीदारी किया, मुझे जो भी अच्छा लगा वहाँ पे ले लिया. ऐसे बहुत सारे थिंग्स है वहाँ पे खरीदने के लिए, बट पूरा मार्केट तो खरीद नहीं सकते ना, थोड़े महंगे भी होते हैं वहाँ पे सामान. तो आज का ब्लॉग यही था, आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ. टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.